एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, घर सही मिलेगा ही। क्या दिल्ली में आपको भी 3 BHK का 110 गज में बना हुआ फ्लैट चाहिए, और वो फ्लैट ऐसा हो जो कॉर्नर का हो, एल टाइप का फ्लैट हो, और साथ में 3 जो बेडरूम आपको मिले उस तीनों बेडरूम से आपको अलग अलग बालकनी मिल जाए। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपको उस घर में मंदिर के लिए भी अलग से जगह मिले जो आपको यहाँ मिल रहा है, किचन भी वेंटिलेटेड हो, फ्लैट के आसपास सारी सुविधाएं आपको मिले, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, लोकल मार्केट हो, वो सारी चीज़ें। और हाँ, अगर मैं बात करूँ फ्लैट के अंदर की, तो फ्लैट में भी जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, बिजली हो, पानी हो, गैस कनेक्शन हो, और फ्लैट बेहतरीन हो, इंटीरियर सुपर्ब हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो ये फ्लैट 3 BHK का जो 110 गज यूजेबल एरिया मिलता है आपके लिए बनाया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ से लिए चलता हूँ, और घर के बाहर आपको इस बिल्डिंग के बाहर क्या क्या मिलता है वो दिखा के लेके आता हूँ। ये पूरा आपको रोड मिलता है जिससे आप अपने घर में आएंगे, और साथ में बिल्डिंग बाहर से इस तरह से दिखेगी, और जो आपको पार्किंग मिलेगा जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे वो आपको इस तरह से दिखने वाला है। इसमें आपको लिफ्ट और कार पार्किंग भी मिलता है। यहाँ जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, सबसे पहले जो आपका मेन डोर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक हम लोग ने लगाया है, और उसमें ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे आपको कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। मैं एक बार लॉक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कैमरा है, आपसे जो भी मिलने आएंगे आप उन्हें यहाँ से देख सकते हैं। और साथ में राहुल मैं चाहूँगा थोड़ा क्लोज करिए, जैसे ही आप यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे ये अनलॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो हैंडल है वो हम लोग ने यहाँ पे लगाया है, बहुत ही सिक्योर है और डिज़ाइनर तो है ही, और साथ में ब्यूटीफुल भी आपको मिलता है डोर का डिज़ाइन। जब आप अपने घर में एंट्री लेंगे तो सामने इस तरह का ब्यूटीफुल डोर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और इस सब तरह की चीज़ें दिल्ली जैसे शहर में सस्ते प्राइस में कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। आप जानते हैं कि जैसे ही मैं घर के अंदर आता हूं तो आपको कोशिश करता हूं कि पूरे फ्लैट का लेआउट समझाऊं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे, घर से ही मिलेगा यहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने पूरे लेआउट की। यहां से आपने एंट्री ली, ये आपको ड्राॅइंग रूम मिल गया। उसके बाद जब हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है और बालकनी भी है। यहाँ कॉमन वॉशरूम मिलता है, इसको इस बेडरूम के साथ भी यूज किया जा सकता है, और जो सेकेंड बेडरूम है इसके साथ भी आपको बालकनी मिल जाती है, और साथ में ये मॉडुलर किचन कंप्लीट वेंटिलेटेड, इसके साथ हम लोग ने विंडो दिया है, और यहाँ आपको मिलता है थर्ड बेडरूम ड्रेसिंग टेबल वार्डरोब और बालकनी के साथ, और साथ में यहाँ आपको मिल जाता है मंदिर के लिए पूरा स्पेस, भगवान जी को आप यहाँ पे बहुत आराम से रख सकते हैं, स्टोरेज भी नीचे दिया गया है। मैं बारी बारी से आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। पहले राहुल आप एक बार फ्लोरिंग दिखाइए, वेट्रीफाइड टाइल्स की हम लोग ने इसमें फ्लोरिंग दी है जो स्क्रैचलेस है, इजी टू मेंटेन है, और एल टाइप में जो आपको यहाँ पे दीवार मिलती है उसमें तकरीबन आप यहाँ पे 8 से 10 आदमी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इस तरह का हम लोग ने यहाँ पे सोफा लगाया है। कॉफ़ी टेबल का भी आप साइज़ देखिए, इतना बड़ा आपको कॉफ़ी टेबल का साइज़ मिलता है, और साथ में जो एल टाइप की दोनों दीवार आपको मिलती है यहाँ से आप देखिए इस तरह का, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक डिजाइनर स्टाइल में हम लोग ने इसे बनाया है, इसे सजाया है, इस तरह का आपको पूरा डिज़ाइन आपको मिल जाता है। और साथ में मैं दिखाऊं फैंसी लाइट्स भी देखिए, बहुत ही स्टाइलिश, एक बार क्लोज कर लिया राहुल, यहाँ पे इस तरह का स्टाइलिश जो लाइट्स हैं वो हम लोग ने दिया है दोनों तरफ, इनफैक्ट आपको मिलता है दूसरी तरफ यहाँ भी आपको मिल जाता है। अब मैं चाहूँगा सीलिंग की आप डिज़ाइन दिखाइए, सीलिंग की इस तरह से फॉल सीलिंग की डिज़ाइन आपको मिलती है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें नॉर्मल सीलिंग नहीं है, थोड़ा सा अलग इसमें डिज़ाइन दिया गया है, पत्थर का लुक आ रहा होगा, और साथ में इस तरफ प्रोफाइल के साथ हम लोग ने जो वुडन है, इनफैक्ट वुडन तो नहीं आप इसको कह सकते हैं, लोअर से उसका हम लोग ने काम किया है। और जब आप यहाँ पर बैठेंगे आपको टीवी देखने का मन होगा तो एक बड़े साइज़ का, बिग साइज़ का हम लोग ने यहाँ टीवी पैनल दिया है। वाह देखिए इतना बड़ा,
अब साइज भी देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा आपको यहाँ टीवी पैनल ये पूरा मिलता है। जितने बड़े साइज़ का आप टीवी देखते हैं आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा स्पेस आपको मिलता है। माइक हम लोग ने यूज़ किया है, यहाँ लूअर्स दिए गए हैं और साथ में ये बड़े सारे ओपन कैबिनेट्स है जिसमें कुछ डेकोरेशन के लिए आप रख सकते हैं। बड़े सारे टॉयज हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। नीचे भी दिखाइए, सारे स्लॉट्स आपको सारे कैबिनेट्स आपको मिलते हैं जो आपके स्टोरेज के काम में आएगा। इस तरह के ये सारे आपको कैबिनेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ भी यहाँ भी ये सारे ओपन कैबिनेट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ शो पीस रखेंगे तो जो आपसे मिलने आपके गेस्ट आएंगे या आप खुद यहाँ पे बैठ के फैमिली के साथ बातचीत करेंगे और सामने इस तरह का जब ब्यूटीफुल आपको चीज़ें दिखेंगी तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएगा, पूजा करने का मन होगा। तो उसके लिए हम लोग ने कोशिश की है कि मंदिर का यहाँ पे स्पेस निकाले। इस तरह से हम लोग ने यहाँ CNC की कटिंग करवा के ये पूरा हमने डिज़ाइन बनवाया है। नीचे यहाँ आपको स्टोरेज मिलता है, जो पूजन सामग्री है वो रख सकते हैं आप, और यहाँ भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो इस तरह का ये ड्राइंग रूम अभी आपने देखा। और हाँ, ऊपर एक चीज़ मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, जो झूमर है वो देखिए हमने लाइट्स ऑफ कर दिया हुआ है ताकि आप पूरी डिज़ाइन देख पाएँ। इस तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल जो सैंडलियर है वो हम लोग ने लगाया है। अब हम बात कर लेते हैं किचन की। इस तरफ आइए राहुल, पहले मैं आपको जो किचन का आउटर लुक है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखिए इस तरह का जो किचन का आउटर लुक है उसमें हम लोग ने अगेन बॉक्सेस बनाए हैं, प्रोफाइल लाइट इसमें यूज़ किया गया है और साथ में किचन का जो पूरा साइज़ आपको देखने को मिलेगा पेंट्री के साथ वो पहले दिखाता हूँ फिर मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। इस तरह का पूरा आपको जगह मिल रहा है आपके किचन में। फ्रिज का स्पेस आपको इस तरफ मिलता है, यहाँ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। स्विच एंड सॉकेट यहाँ दे दिए गए हैं और साथ में वेंटिलेशन, हम किचन में क्या होना चाहिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका वेंटिलेशन। उसके लिए यहाँ आपको बड़ी सी विंडो मिलती है। हालांकि हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक चिमनी यहाँ पे लगा दिया है जो सेंसर वाली है, आपके हाथ के इशारों से ये चलेगी। इस तरह से थोड़ा क्लोज करिए राहुल ताकि देख पाए, आप इसे इस तरह से क्लोज भी कर सकते हैं। अभी न्यू है, इसमें पन्नी सारी चढ़ी हुई है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है वो भी हम आपको दे रहे हैं। आप चाहें एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, यहाँ आपको विंडो भी मिल जाता है और उसके बाद ये सारे स्लॉट्स आपको मिलते हैं ताकि आप किचन का सामान इसमें रख सकें। और उसके पहले यहाँ ये पूरी आपको पैंट्री मिलती है। देखिए कितने सारे स्लॉट्स हैं, किचन का लगभग सारा सामान इसमें आ जाएगा। और अगर प्लेट सब रखना चाहते हैं आप, उसके लिए यहाँ अलग से हम लोग ने कैबिनेट्स बनाया है। और इसमें जो चैनल हम लोग ने यूज़ किया है सॉफ्ट क्लोज, बहुत तेज़ी से भी लगाएंगे, बहुत आराम से लगेगा, आवाज़ नहीं होगा। इस तरह के सारे कैबिनेट्स दिए गए हैं बड़े कंटेनर के लिए। आप जानते हैं सानवी रियल एस्टेट हमेशा अलग से स्पेस देता है जिसमें आप जो बड़ा डब्बा है गेहूँ चावल आटा इस सब आप रख सकते हैं और साथ में ये सारा आपको स्पेस मिल जाता है। देखिए बड़े बड़े आपको स्पेस मिलते हैं। एक चीज़ और भी मैं चाहूँगा दिखाना, यहाँ जो हम लोग ने काउंटर यूज़ किया है उसको क्लोज करिए राहुल। इस तरह का ये पूरा आपको काउंटर मिलता है, कटिंग चॉपिंग भी कुछ करेंगे स्क्रैच नहीं लगेगा। आड़ो यहाँ लगा दिया गया है, ये जगह आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलता है। और ऊपर जो डिज़ाइन है सीलिंग की वो आपको इस तरह की मिल जाती है। थोड़ा क्लोज करके दिखाइए सीलिंग की डिज़ाइन, आपको पत्थर लुक में दिख रहा होगा, अलग सा हम लोग ने इसमें सीलिंग की जो डिज़ाइन है वो बनाई है। अब मैं आपको यहाँ से लिए चलता हूँ मास्टर बेडरूम में, जो आपका बेडरूम है। आपके बेडरूम में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक बेडरूम में होता है। यहाँ आपके लिए 6x6 का बेड लगा दिया गया है। पीछे जो बैकवॉल मिलता है उसमें कुशनिंग की पूरी डिज़ाइन दी गई है, कांच हम लोग ने इसमें यूज़ किया है और साथ में ऊपर जो सीलिंग की डिज़ाइन है वो आपको इस तरह से मिल जाती है कॉब लाइट LED लाइट्स के साथ। यहाँ फुल लेंथ में हम लोग ने वार्डरोब दिया है, दो पल्ले आपको यहाँ मिलते हैं और साथ में ये स्पेस भी आपको मिल जाता है इस तरफ से, यहाँ और यहाँ, ये दोनों स्पेस आपको मिलते हैं। इसी के साथ जो अटैच वॉशरूम है वो दिखाइए, देखिए कितना स्पेसियस है। नीचे हम लोग इसमें एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग लगाए हैं और ऊपर तक टाइल्स लगाया गया है, साथ में फैंसी लाइट और प्रोफाइल लाइट भी आपको मिल जाता है। इसके साथ जो बैल्कनी मिलती है, चलिए अब वो देख लेते हैं, एक बार दिखाइए पूरी बैल्कनी। आप बैल्कनी हम लोग ने इस तरह से दिया है, टफन ग्लास लगाए गए हैं, रेलिंग स्टेनलेस स्टील की लगाई गई है, 304 ग्रेड की आती है। एक बार पीछे जाइए, मैं पूरा यहीं से स्पेस दिखाता हूँ। देखिए इस तरह का बड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, वेट एरिया बना सकते हैं, टैप लगाया गया है और इसके ठीक ऊपर इस तरह से जो सीलिंग की आपको डिज़ाइन मिल रही है वो है। अब चलिए मैं यहीं से आपको
सेकेंड बेडरूम में लिए चलता हूँ, देखता हूँ अगर ओपन होगा तो। आइए, ओपन है। ये आपको सेकेंड बेडरूम मिल जाता है। इसमें भी 6x6 का बेड लगाया गया है। बैक वॉल का जो दीवार है पीछे आपको मिलती है, वो आपको यहाँ इस तरह से मिल जाती है कुशनिंग के साथ। यहाँ पे आइए राहुल, आप इस तरफ दिखाइए। यहाँ वार्डरोब भी हम लोग ने दिया है और साथ में वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिलता है। यहाँ आपको विंडो मिल जाता है। और एक चीज़ मैं नोटिस करवाना चाहूँगा, हम लोग ने जो ग्रिल है वो स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे दी है, ऊपर आप अपना विंडो एसी लगा सकते हैं। इसकी भी एक बार सीलिंग की डिज़ाइन दिखा दीजिए, इस तरह से पूरा आपको जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन वॉशरूम। राहुल एक बार आप इस तरफ ड्राइंग दिखाइए ताकि पता चल जाए। यहाँ आपको ड्राइंग मिल गया। ये बेडरूम हमने भी देखा था, मास्टर बेडरूम, इसके साथ हम बालकनी से इस बेडरूम तक आए थे। और यहाँ आपको मिल जाता है ये कॉमन वॉशरूम। इसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो सब हम लोग करके दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। एंटी स्किड टाइल्स की नीचे फ्लोरिंग मिल जाती है और यहाँ वॉल माउंटेड सीट हम लोग ने लगाया है। इसी के साथ यहाँ बाथिंग के लिए टैप डाइवर्टर लगाए गए हैं। लेफ्ट राइट करेंगे एक ही टाइप से हॉट एंड कूल वाटर आएगा। यहाँ जो वॉश बेसिन है देखिए, बहुत ही स्टाइलिश प्यारे डिज़ाइन का वैनिटी यहाँ दिया गया है स्टोरेज के लिए। ऊपर आपको मिरर मिलता है और इसके ठीक आगे हम चलेंगे तो गीज़र के लिए पॉइंट्स, इनफैक्ट गीज़र भी लगाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट फैन और इसके ठीक ऊपर इस तरह की आपको डिज़ाइन मिलती है। आप टाइल्स भी देखेंगे तो रूफ तक हम लोग ने टाइल्स यूज किया है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। अब मैं आपको लिए चलता हूँ थर्ड बेडरूम में और वहाँ ये दिखाऊंगा, उस बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी मिलती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सपनों का घर इसी चैनल पे मिल जाएगा। दिल्ली में सस्ते प्राइस में अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो सानवी रियल एस्टेट को कॉल करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने थर्ड बेडरूम में खड़े हैं, 3BHK का फ्लैट है ये। इस तरह का ऊपर का पहले डिज़ाइन दिखाऊंगा। देखिए जो बैक वॉल है बेड का वो इस तरह से बनाया गया है और साथ में यहाँ बेड लगाया गया है। वार्डरोब ये आपको मिलता है। स्लाइडिंग डोर हम लोग ने इसमें यूज़ किया है, अच्छा खासा डीप स्टोरेज मिल रहा है। और साथ में यहाँ आपको मिल जाता है ड्रेसिंग टेबल। इसके अंदर ये सारे स्लॉट्स दिए गए हैं ताकि आप कॉस्मेटिक्स रिलेटेड कुछ सामान रख सकते हैं। और नीचे भी आपको ये सारे स्टोरेज मिल रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ आपको टीवी पैनल मिल रहा है, आप अपना टीवी लगा सकते हैं। और ऊपर अगेन आपको सीलिंग की डिज़ाइन मिल जाती है। अब इसके साथ जो आपको बालकनी मिलता है वो दिखाता हूँ। राहुल मैं चाहूँगा एक बार आप डिज़ाइन दिखाएं हैंडल का। देखिए इस तरह का जो ब्रास का हैंडल है वो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसकी बालकनी देख लेते हैं। यहाँ आपको इस बेडरूम के लिए अलग से बालकनी मिलती है। आप देख पा रहे होंगे हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छी सी सनलाइट आ रही है जब बालकनी में खड़े होंगे आप, क्योंकि वेंटिलेटेड 3BHK का फ्लैट है। फ्रेश एयर भी मिलेगा, सनलाइट भी मिलेगा। और दिल्ली जैसे शहर में है, मेट्रो स्टेशन के पास है, लोन पे आप इस प्रॉपर्टी को, इस फ्लैट को खरीद सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, हमारा बोर्ड लाइन नंबर नीचे दिया गया है, कस्टमर केयर को फ़ोन करिए, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को फ़ोन लगाइए। इस फ्लैट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जानिए। और हाँ, अगर विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम भी आपसे मिलेंगे। और जो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं वो इस फ्लैट के अलावा ऐसे बड़े सारे फ्लैट आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, आशियाना लेना चाहते हैं सस्ते प्राइस पे, लोन पे, तो हम आपके लिए खड़े हैं दिल्ली जैसे शहर में। आपको आइए, एक विश्वसनीय नाम जो सस्ता फ्लैट देता है दिल्ली जैसे शहर में। और हाँ, एक बार झूमर मैंने आपको दिखाया था बिना लाइट का, अब देखिए इस तरह का जब आप इसे ऑन करेंगे तो झूमर ऐसा आपको दिखेगा। तो सर एंड मैम, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ऑफकोर्स आप ही सानवी रियल एस्टेट हैं और आप ही से सानवी रियल एस्टेट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा सानवी रियल एस्टेट मोटिवेशनल चैनल है। अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो हमारे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।